तो आइए आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप 21.9 के अपडेट में पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन कैसे करना है इसके बारे में आप लोगों को आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो 21.9 का अपडेट आया है वो सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों के प्ले स्टोर में नहीं शो हो रहा है। लगभग 10% ही आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं उनके प्ले स्टोर में जो ये अपडेट है वो शो हो रहा है। तो किस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करना है इसके रिलेटेड आज की ये वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको एमपिन कैसे चेंज करना है, कैसे आप लोगों को लॉगिन करना है, सारा कुछ आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप 21.9 का जो अपडेट दिया गया है ये अपडेट आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप में इसलिए आया हुआ है कि आप लोगों का जो पुराना वाला एम पिन है उस एम पिन को चेंज करके आप लोगों को नया एम पिन बनाना होगा, तभी जो है आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, जिनके भी प्ले स्टोर में जो ये अपडेट है वो शो नहीं हो रहा है वो लोग कैसे यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करेंगे, आइए इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग लॉगिन करने जा रहे होंगे तो आप लोगों का जो यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप का जो लॉगिन पेज है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये नया आप लोगों को लॉगिन पेज दिया गया है। यहाँ पे आप लोग अपना पुराना वाला पासवर्ड जो डाल के यहाँ पे लॉगिन कर रहे होंगे तो आप लोगों का यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा होगा। चलिए हम यहाँ पे पुराने वाले पासवर्ड से एक बार लॉगिन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे पुराने वाले पासवर्ड को डाल के लॉगिन कर रहे हैं तो देख सकते हैं इनवैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल और पासवर्ड का जो ऑप्शन है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों के प्ले स्टोर में तो ये अपडेट शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अपडेट जिन लोगों के प्ले स्टोर में शो हो रहा है वो तो अपडेट कर लेंगे, लेकिन जिनका प्ले स्टोर में ये अपडेट शो नहीं हो रहा है उनको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको एम पिन चेंज करना होगा। ठीक है, एम पिन कैसे चेंज करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन के नीचे ही लिखा हुआ है फॉरगेट एम पिन और पासवर्ड। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे डालना होगा और उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आप यहाँ से जो है अपना एम पिन चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के एम पिन चेंज करके आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। ठीक है, जिनके भी प्ले स्टोर में ये अपडेट शो नहीं हो रहा है इस प्रकार से आप लोगों को करना है, अपना जो एम पिन है उसको चेंज करना है। चलिए हम यहाँ पर एम पिन चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। चलिए ओटीपी आ चुका है, अब हम इस ओटीपी को यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का कमेंट आ रहा है कि जब हम लोग ओटीपी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे फ़ोन में जो है ओटीपी नहीं आ पा रहा है, तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण हो सकता है कि आप लोगों को ये दिक्कत आए। ठीक है, तो आप लोग इवनिंग में या मॉर्निंग में एक बार ट्राई कीजिएगा कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसको डाल के और यहाँ पर ओटीपी मंगाने की कोशिश कीजिएगा तो आपका ओटीपी आपके फ़ोन पर आ जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नया एम पिन सेट करेंगे, जो भी आप लोगों को याद रहे वो एम पिन आप लोगों को सेट कर लेना है। चलिए हम अपना एम पिन यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना एम पिन जो है सेट कर लिया है। अब सेट करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एम पिन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फिर से पेज खुल के आ जाएगा। अब आपको पासवर्ड में क्या लिखना है, पासवर्ड बोलिए या एम पिन बोलिए, तो आप लोग यहाँ पे जो अभी नया एम पिन बनाए हैं वही एम पिन आपको यहाँ पे डाल लेनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो नया एम पिन बनाया है उसको डाल के आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना जो एम पिन है वो डाल लिया है। डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पोषण ट्रैकर ऐप जो है इस प्रकार से आसानी से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका बहन इस वीडियो को देख रही हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास ये वीडियो पहुँचे और वो लोग अपने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर पाएँ। बहुत सारे आंगनबाड़ी सेविका बहन हैं जिनका पोषण ट्रैकर ऐप ओपन नहीं हो पा रहा है, वो कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप 100% ओपन हो जाएगा, आसानी से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जिनके भी प्ले स्टोर में कोई भी अपडेट शो नहीं कर रहा है तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा तो आप लोगों का यहाँ पर आसानी से लॉगिन हो जाएगा।
आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का DK टेक्निकल ज्ञान चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।